मोहम्मद अशरफ मिनहास नाम है मेरा। हम इस वक्त अल मुस्तफा मेडिकल सेंटर मुजाहदाबाद मुगलपुरा से बात कर रहे हैं। हमने अल मुस्तफा मेडिकल सेंटर 1990 में शुरू किया और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि इस इलाका में अताई डॉक्टर ज्यादा थे। हम इस वजह से इस मेडिकल सेंटर का आगाज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम जारी सारी रहा और इस वक्त हमारे पास वक्त के साथ साथ हमारे पास तीन शोबों में तीन डॉक्टर जो ना वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफा मेडिकल सेंटर के जितने भी शोबा जात हैं वो बड़ी बाखूबी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके जो अखराजात हैं तकरीबन एक माह में 1,50,000 रुपए के लगभग जो हो रहे हैं और ये जितने भी अखराजात हैं तमाम दोस्त मिलजुल कर इसको अदा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ अल मुस्तफा मेडिकल सेंटर का जो मरकज है वो भी काफी तामन फरमाता है। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज आमिर रशीद है। मैं अल मुस्तफा मेडिकल सेंटर मुजाहदाबाद मुगलपुरा में एज ए क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। रोजाना जो पेशेंट की रेशो है वो 15 से 20 है। हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो ज़्यादातर घुटनों के प्रॉब्लम उनको होता है या फालिज के पेशेंट जो होते हैं उनका ज़्यादा मसला आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील अरशद है। मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर अल मुस्तफा मेडिकल सेंटर मुजाहदाबाद सेंटर में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे पास जो मोस्टली जो पेशेंट आते हैं ज्यादातर जो उनसे वो मेदे के जो मरीज हैं वो ज्यादा आते हैं। जो आम जो बीमारियां जैसे खांसी नजला जुकाम बुखार हैं उनके मरीज भी साथ यहाँ पे चेक किए जाते हैं।